तो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे जनरेटर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली जो काम हम यहाँ पे कर रहे थे, इसी को थोड़ा और अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम लोग जनरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो पहले एक और चीज़ समझते हैं। अभी मैं यहाँ पे मैनुअली इस लॉजिक को लिख रहा था आइट्रेट करने के लिए, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज़ करना चाहता तो मैं क्या कर सकता था ऐसे कॉल करने की जगह, तो मैं यहाँ पे लिख सकता था लेट माई यूज़र्स इज़ इक्वल टू यूज़र्स डॉट आइट्रेट। तो मैं यहाँ पे आइट्रेट कर रहा हूँ यूज़र्स को, एंड देन मैं क्या कर सकता था, यहाँ पर एक वाइल लूप चला सकता था, वाइल नॉट जो मेरे यूज़र्स थे माई यूज़र्स, क्योंकि ये जो मेरा यूज़र था इसके अंदर रिटर्न होके मुझे क्या मिलेगा, इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट जहाँ पर एक वैल्यू होगी डन नाम की। तो जब तक ये डन नहीं हो जाता तब तक मैं क्या करता, अगेन यही वाली सेम चीज़ को रिपीट करता टास्क को, कब तक, जब तक ये डन नहीं हो जाता। और यहाँ पे कंसोल लॉग कर सकता था, कंसोल डॉट लॉग माई यूज़र्स डॉट वैल्यू। तो बेसिकली माई यूज़र क्या है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो मुझे मिल रहा था ये, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें, एक है वैल्यू और एक है डन जो मुझे यहाँ पे मिलेगी। तो मैं क्या चेक करूँ कि जब तक ये डन नहीं हो जाता तब तक कंसोल लॉग करा रहा हूँ वैल्यू को, और बार बार इसको आइट्रेट कर रहा हूँ। तो अगर आप इस तरीके से लॉजिक को लिखते, नोड डेमो डॉट जे एस, तो यहाँ पे आपको देखो अभी भी तीन ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, आप इसको अपने खुद के लूप को रन तो कर रहे हो, लेकिन कितने टाइम के लिए रन करना है, मतलब कहाँ तक रन करना है। अगर मैं नॉर्मली इसको यूज़र डॉट आइट्रेट को लिखता रहता तो वो तो मैं 50 बार भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जितने नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स होंगे इस एरे के अंदर, जितने नंबर ऑफ़ इंडेक्स होंगे उतनी बार मैं इसको रन करना चाहता हूँ ना। तो उसके लिए मैंने इस लॉजिक को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करा और ऑप्टिमाइज़ करा। अब हम लोग देखेंगे इसी सेम टास्क को, पूरे टास्क को जनरेटर्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते थे। तो यहाँ पर इसको एज अ जनरेटर यूज़ करने से पहले जनरेटर को समझना ज़रूरी है। तो ये जितना भी कोड अभी तक हम लोगों ने लिखा था इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, एंड देन यहाँ पर अब जनरेटर समझाता हूँ, फिर उस जनरेटर को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो बेसिकली मान लो यहाँ पर मेरा टास्क ये था लेट माई एरे, मेरे पास एक एरे थी नंबर्स की जिसके अंदर था 1 2 3 4 5, और मुझे एक नई एरे चाहिए थी जो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, जिस एरे के अंदर जितने भी इस एरे के एलिमेंट थे सबको मल्टीप्लाई करना है मुझे सेम एलिमेंट से, यानी कि स्क्वायर वाली एरे चाहिए थी मुझे, यानी कि 1 4 9 16 25, इस तरह की मुझे एरे चाहिए थी जिसके अंदर स्क्वायर हो। तो एक तरीका तो क्या था कि मैं मैनुअली एक फॉर लूप चलाऊंगा, लेट आइटम ऑफ माई एरे, एंड देन इसके अंदर मुझे एक एक करके सारे आइटम मिलेंगे ही, देन मैं एक न्यू एरे बना लेता हूँ, न्यू एरे इज़ इक्वल टू एम्प्टी एरे, एंड देन मैं क्या करता है यहाँ पे जो मेरी नई एरे थी उसके अंदर पुश कर देता ये जो भी आइटम था मल्टीप्लाइड बाय आइटम, इस वाले आइटम को मल्टीप्लाई कर दिया सेम आइटम से, एंड देन जब ये लूप ख़त्म हो गया तो कंसोल लॉक करता अपनी एरे को। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या मिला, 1 2 3 4 5, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, ओके सॉरी, न्यू एरे को कंसोल लॉक करना था। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, अब यहाँ पे मुझे मिला 1 4 9 16 25, तो ये वही चीज़ मिल रही है जो मैं चाह रहा हूँ, लेकिन ये इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैंने एक नई एरे बनाई है और एक एक करके मैं उन सबको पुश कर रहा हूँ। मान लो मैं एक फंक्शन बनाता जिसका टास्क था बस इतना सा काम करना, तो उसके चक्कर में मुझे एक नई एरे बना के रखनी पड़ी लोकली, और उसके अंदर सारी नई वैल्यू पुश करके फिर उसको मैंने रिटर्न करा। इससे बढ़िया क्या होता कि इस सारे के सारे टास्क को मैं, इसको यहाँ पे मैं नाम देता हूँ यूजिंग जनरेटर, एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता, एक फंक्शन मान लो मैं बनाता जो कि जनरेटर होना चाहिए, माय जनरेटर मान लो उसका नेम है। तो जनरेटर वाले फंक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल फंक्शन बनाते हैं जिसके आगे हम लगाते हैं एक स्टार, फंक्शन स्टार, ये एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये क्या एक जनरेटर है। तो जनरेटर के केस में क्या होगा, जो भी मेरी एरे थी लेट से ये वाली एरे है, वो ये एरे है मेरे पास 1 2 3 4 5, एंड मैं यहाँ से क्या रिटर्न करना चाहता हूँ, फॉर लूप चलाकर एक नई एरे, और उस नई एरे के अंदर क्या होना चाहिए, उस नई एरे के अंदर होनी चाहिए इसके स्क्वायर।
तो यहाँ पर इंस्टीड ऑफ यूजिंग एक नई एरे जिसके अंदर मैं सारे एलिमेंट्स पुश करता जाऊँ, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ईल्ड आइटम मल्टीप्लाइड बाय आइटम। तो ये ईल्ड क्या करता है बेसिकली, जो काम हम लोग यहाँ पर मैन्युअली कर रहे थे इस यूज़र के लिए, करंट यूज़र की की को सेव करा के रख रहे थे और हर बार एक नया यूज़र रिटर्न करे जा रहे थे, वैल्यू हम लोग क्या रिटर्न कर रहे थे, आइट्रेट करके, यानी कि पहला यूज़र रिटर्न करा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, वही सेम काम ये ईल्ड करता है। तो जनरेटर बेसिकली करता क्या है, जनरेटर आपको एक फंक्शनैलिटी देता है जिसको हम बोलते हैं ईल्ड। वो क्या करता है, हर बार एक नई वैल्यू रिटर्न करता है प्रीवियस वैल्यू के बेस पे, यानी कि जब ये मेरा फॉर लूप रन हुआ तो इसने ईल्ड को रन करा बारी बारी, तो पहले यहाँ पर जब पहली बार ईल्ड रन हुआ होगा तो यहाँ पे वन को मल्टीप्लाई करा गया होगा वन के साथ, फिर दूसरी बार जब ये लूप रन हुआ तो यहाँ पे टू को मल्टीप्लाई करा गया टू के साथ, फिर थ्री को थ्री के साथ, फिर फोर को फोर के साथ, फिर फाइव को फाइव के साथ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने ईल्ड लिखा था तो इन सभी वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा, और जब भी मैं नेक्स्ट को कॉल करूँगा तो एक एक करके मुझे ये वैल्यूज़ देगा जो भी ईल्ड हुई थी। तो ईल्ड बेसिकली कर क्या रहा है, एक तरीके से आप ऐसा समझो बिहाइंड द सीन्स एक एक करके प्रीवियस वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है, और जब जब मैं नेक्स्ट दूंगा कॉल करूँगा तो वो पहली वैल्यू, फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू, उससे नेक्स्ट वैल्यू मुझे रिटर्न करके देगा। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कंसोल डॉट लॉग माई जनरेटर, तो यहाँ पे मुझे देखिए क्या मिलता है, ये क्या है, एक जनरेटर फंक्शन है, ये एक नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये क्या है, एक जनरेटर फंक्शन है। तो इस जनरेटर वाले फंक्शन को मैं सेव कराता हूँ, लेट माई आइटरेटर इज इक्वल टू माई जनरेटर, और इसको मैं कर देता हूँ कॉल। तो इस फंक्शन को मैंने कॉल करा के सेव कर लिया एक नए वेरिएबल में माई आइटरेटर, और अब मैं माई आइटरेटर के ऊपर जब लिखूँगा तो यहाँ पे मुझे तीन ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से एक होगा नेक्स्ट। तो जब मैं नेक्स्ट को कॉल करूँगा, लेट से इसको मैं कंसोल लॉग कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड इस वाली लाइन को मैं पेस्ट करता हूँ लेट से थ्री टाइम्स या फोर टाइम्स। तो यहाँ पे बेसिकली जब मैं नेक्स्ट को कॉल करूँगा तो पहली बार जब ईल्ड कॉल हुआ होगा जो भी यहाँ पे रिजल्ट आया होगा वो मिलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम जो आया होगा वो मिलेगा, एंड सो ऑन। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या मिला, पहले वन, फिर फोर, फिर नाइन, फिर 16, और साथ में डन की वैल्यू क्या मिल रही है, फॉल्स। देन एक और बार मैं इसको कॉल करता हूँ तो अब मुझे लास्ट में क्या मिला, 25। और अब अगर आप इसको एक और बार फाइनली कॉल करोगे, एक और बार मैंने इसको कॉल किया तो अब मुझे क्या मिल रहा है, डन ट्रू, लेकिन वैल्यू क्या मिल रही है, अनडिफाइंड, क्योंकि अभी ये आइट्रेशन इसका कंप्लीट हो चुका है। तो अब सेम लॉजिक का मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर ऊपर, ये जो भी कोड था इसको बल्कि मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि बाद में आप देख सको, ये कोड मैंने सारा कमेंट आउट कर दिया यूजिंग जनरेटर्स, और इस कोड को मैं ऊपर लिख देता हूँ यूजिंग जनरेटर्स, एंड देन यहाँ पे बात करते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट की। तो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था इसको वापस से मैं ओपन करता हूँ, एंड देन यहाँ पे जो मैंने आइटरेट नाम का फंक्शन बना रखा था इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, एंड यहाँ पर हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, और ये जो भी लॉजिक था ये भी कमेंट आउट ही है। अब यहाँ पर उस फंक्शन का मैं नाम देता हूँ लेट से माई जनरेटर, माई जनरेटर, या लेट से मैं इसका नाम देता हूँ गेट डेटा, ये ज़्यादा ठीक रहेगा नाम, डॉट, एंड देन इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ स्टार लगा के, और उसका मैं नाम देता हूँ माई, या यूज़र जनरेटर, ये आ गया अपना यूज़र जनरेटर नाम का फंक्शन जो कि गेट डेटा नाम की के अंदर है, लेट करंट यूज़र इज इक्वल टू ज़ीरो। इस करंट यूज़र नाम की फील्ड का भी कोई काम नहीं है, अब सिर्फ डेटा नाम की का काम है यहाँ पे। एंड देन मैं यहाँ पे एक वाइल लूप रन करूँगा, वाइल जो भी मेरा एक करंट यूज़र है, करंट यूज़र इज़ लेस देन दिस डॉट डेटा डॉट लेंथ, लेस देन और इक्वल टू, तब तक के लिए मैं इस लूप को रन करूँगा। एंड मैं सिंपली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ईल्ड कर दूंगा जो भी मेरा डेटा था वो डेटा के अंदर मैं डाल दूंगा करंट यूज़र को, एंड देन दिस डॉट करंट यूज़र प्लस प्लस, सिंपल। तो यहाँ पर मैंने ईल्ड वाली चीज़ का यूज़ करा अपने खुद का जनरेटर बना के विद अ स्पेशल सिंबल स्टार, एंड यहाँ पर मैंने वाइल लूप रन कर दी
वाइल लूप के अंदर से मैंने यील्ड कर दिया वैल्यू को, ताकि जब मैं बार बार नेक्स्ट कॉल करूँ तो नेक्स्ट यूज़र मुझे मिलता रहे। तो एक और बार हम लोग ढंग से समझते हैं। यहाँ पे मैंने किया क्या, ये गेट डेटा नाम की के अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया जो कि एक आइटरेटर था, और उस आइटरेटर के अंदर यहाँ पर मैंने एक करंट यूज़र नाम की ली ज़ीरो, और एक वाइल लूप रन करा कब तक, जब तक इसकी लेंथ के बराबर नहीं हो जाता या उससे ये बड़ा नहीं हो जाता। इट शुड बी ग्रेटर देन नॉट स्मॉलर देन। और यहाँ पे मैंने क्या चेक करा, यहाँ पे मैंने क्या करा, यील्ड कर दिया दिस डॉट डेटा के अंदर करंट यूज़र डाल के, यानी कि जो मेरा डेटा था इसके अंदर से पहला यूज़र, दूसरा यूज़र, तीसरा यूज़र ऐसे करके मुझे मिलता रहेगा। और यहाँ पर दिस डॉट करंट यूज़र को मैंने एक बार इंक्रीज़ कर दिया हर टाइम। तो अब जब भी मैं इस गेट डेटा को अंदर नेक्स्ट को कॉल करूँगा तो मेरा डेटा इटरेट होता रहेगा। तो अब बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो भी मेरा यूज़र्स था, लेट आइटरेटर इज इक्वल टू यूज़र्स डॉट गेट डेटा, और इस गेट डेटा को मैं कॉल कर दूँगा। अगर अब मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करा के देखूँ अपने इस आइटरेटर को, तो मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए एक ऑब्जेक्ट जनरेटर। ओके, इस आइटरेटर के अंदर मैंने क्या सेव कराया, यूज़र डॉट गेट डेटा को, और उसको मैंने कॉल कर दिया। तो यहाँ पर मेरा ये जनरेटर वाला फंक्शन कॉल हो गया। तो अब मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ कंसोल लॉग को नेक्स्ट। पहले मैंने यहाँ पे क्या किया था, कंसोल लॉग किया था आइटरेटर, वो क्या मिल रहा था मुझे, एक नया फंक्शन जो कि था जनरेटर। अब यहाँ पे क्या मुझे मिल रहा है, वैल्यू इज़ अनडिफाइंड एंड डन इज़ ट्रू। ओके, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। जो करंट यूज़र था ज़ीरो, दैट शुड बी सॉरी, दैट शुड बी स्मॉलर देन लेंथ। हाँ अब ठीक है, लॉजिक लॉजिक गड़बड़ कर दिया था। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रही है शगुन, एंड क्या मिल रहा है, फॉल्स। एक और बार इसको मैं करूँगा कॉल, तो अब मुझे क्या मिल रहा है, कंसोल लॉग आइटरेटर नेक्स्ट। मैंने दो बार किया है, गैस कोड सेव नहीं हुआ था तब। हाँ अब मुझे एक बार वैल्यू मिल रही है शगुन, दूसरी बार भी मुझे सेम वैल्यू मिल रही है शगुन। ओके ओके सॉरी, यहाँ पर दिस कीवर्ड नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर वाला नहीं, ये जो लोकल करंट यूज़र है इसको मुझे यूज़ करना है। अब मैं कॉल करता हूँ तो मुझे नेक्स्ट यूज़र मिलेगा, पहले शगुन मिला फिर कोड सिखो मिला, एंड देन अगेन मैं अगर इसको कॉल करूँगा कंसोल डॉट लॉग करके, तो मुझे तीन यूज़र मिलेंगे अभी यहाँ पे, शगुन, कोड सिखो, ABC। तो सेम वही चीज़ हो रही है, डन की वैल्यू मिल रही है और एक वैल्यू मिल रही है, सब कुछ वैसे ही है जैसा पहले था, लेकिन अब हमने इसको आइटरेट कर दिया यूजिंग अ जनरेटर, यूजिंग अ जनरेटर हम लोग इसको आइटरेट कर रहे हैं। देन ये जो मेरा पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड था, इस पर्टिकुलर कोड के अंदर मैं एक और चीज़ कर सकता था, वो क्या था, सिंबल का यूज़ कर सकता था। तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का सिंबल होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में आते हैं, ये जावास्क्रिप्ट के खुद के बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिनमें से एक होता है आइटरेटर। तो अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे डिफ़ाइन कर दूँ सिंबल डॉट आइटरेटर, एंड देन उसके अंदर अपना लॉजिक लिखूँ ये जनरेटर वाला, तो क्या डिफरेंस होगा, फिर मैं इसके ऊपर एक फॉर लूप रन कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर लेट से लेट यूज़र्स ऑफ यूज़र, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर लूप चलाई इस यूज़र्स के ऊपर, सॉरी आइटम ऑफ यूज़र्स, या फिर आई शुड से यूज़र ऑफ यूज़र्स, एंड मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग करा अपने यूज़र को। तो देखिए यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिकली तीन यूज़र मिल गए। तो इसने किया क्या, जब मैंने फॉर लूप चलाया यूज़र ऑफ़ यूज़र्स पर, और इसने देखा अच्छा ये तो एक ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर एक एरे है, तो इसने क्या करा, ऑटोमेटिकली फाइंड करने की कोशिश करी सिंबल डॉट आइटरेटर को, और जब इसको सिंबल डॉट आइटरेटर मिल गया तो इसके अंदर लिखे हुए कोड को रन कर दिया यूजिंग अ जनरेटर, एंड देन जो नेक्स्ट वाली वैल्यू थी जो हम अभी मैन्युअली कॉल कर रहे थे वो इसने कॉल करी, कब तक, जब तक उसकी लेंथ, जब तक डन की वैल्यू ट्रू नहीं हो जाती, जैसे कि हम वाइल लूप चला कर भी कर सकते थे, सेम वही चीज़ यहाँ पर फॉर लूप ने ऑटोमेटिकली करा। तो यही वो तरीका है जिस तरीके से एक्चुअल में हमारी एक एरे काम करती है। जब हम एक एरे के ऊपर कॉल करते हैं फॉर लूप, तो वो इसी तरीके से काम करती है जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी करके दिखाया। बिहाइंड द सीन्स एक जो एरे होती है उसके अंदर सिंबल डॉट आइटरेटर नाम का फंक्शन होता है जिसके अंदर इस तरीके का लॉजिक लिखा रहता है।
जिसकी वजह से जब हम लोग फॉर लूप चलाते हैं कैरे के ऊपर तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, इस तरीके का लॉजिक मिलता है, यानी कि पहला यूज़र, दूसरा यूज़र, तीसरा यूज़र, जैसे कि मुझे मिला। सेम इसी तरीके से हमारी एरे के अंदर जो भी हम डेटा डिफाइन करते हैं उसको हम आइटरेट कर पाते हैं।